सर मैंने अपना MBBS किया है मुंबई से 5.5 साल, डिप्लोमा किया है ऑर्थो से लखनऊ से, और फिर डिप्लोमा के बाद MS नहीं था तो उसके लिए लगा रहा, और आखिरकार मेरे को चेन्नई में रामाचंद्रा से MS करने का सौभाग्य मिल गया। MS करने के बाद फिर मैंने पुणे संचेती में, जो काफ़ी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हड्डी रोग के लिए फेमस अस्पताल है, वहाँ से मैंने रीढ़ की हड्डी और घुटना प्रत्यारोपण का फेलोशिप लिया है। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय, जो दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, 3 साल वहाँ पे सरकारी काम किया। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बुढ़ापे में हड्डी कमज़ोर हो जाना या एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाना, तो उसका सीएम द्वारा हम लोग करते हैं इलाज। मेरा स्पेशलाइजेशन है दूरबीन वाला सर्जरी करना, और घुटना प्रत्यारोपण और कुल्हा प्रत्यारोपण में मेरा काफ़ी रुचि है। इसलिए पहले लोगों को पटना और दिल्ली जाना पड़ता था, वो सुविधा मैं आज मुफ्त का यहाँ पे लोगों को आयुष्मान भारत द्वारा उपलब्ध कर रहा हूँ। आज तक मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा कुल्हा बदल चुका हूँ और 10 से 15 घुटना का प्रत्यारोपण कर चुका हूँ। सबके मरीज के पास ये गोल्डन कार्ड है, वो मेरे पास आएंगे, उनका 1 रुपया नहीं लगेगा, पूरा इलाज से लेके इलाज के बाद का दवाई तक का भी पैसा सरकार मुझे देगी। दवा का भी पैसा मरीज को नहीं लगेगा? जी सर, ना दवा का पैसा लगेगा, ना रूम का पैसा लगेगा, ना सर्जरी का पैसा लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। बस मरीज को आना है यहाँ पे, इलाज कराना है और यहाँ से अपना ठीक होके चले जाना है। 6 महीने में मैंने 100-150 मरीज का अभी तक मुफ्त में ऑपरेशन किया है यहाँ पे। खान पान का ध्यान रखना है, सुबह टहलना है, और हो सके जहाँ तक आधा घंटा कम से कम धूप का लाली लेना है। इससे वो 50 बेड का अस्पताल है जहाँ पे 24 घंटा इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है विद ICU केयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूँ सनी उदा चंपाड़नी। अभी हम पहुँचे हैं मोतिहारी में और हमारे साथ देखिए डॉक्टर विशाल आनंद वर्मा है, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग हड्डी होता है, और हड्डी अगर मजबूत है, हड्डी अगर अगर सही है, तो आप बैठ सकते हैं और चल सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। और वही अगर हड्डी टूट जाए तो सारी जीवन की क्रियाशैली बर्बाद हो जाता है, ठप पड़ जाता है। इनसे हम बात करने के लिए पहुँचे हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर किस तरह से इलाज कर रहे हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करते हैं, मरीजों को क्या क्या सुविधाएँ यहाँ मिलता है। और इनका क्लिनिक है डॉक्टर MP वर्मा ऑर्थो क्लिनिक मोतिहारी। डॉक्टर विशाल आनंद वर्मा, जो डॉक्टर विनीता वर्मा के पुत्र हैं, डॉक्टर विनीता वर्मा जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनके पुत्र हैं ये। और इनका आस्था नर्सिंग होम जो राजा बाजार में है वो चलता है, और इनका चंद्रा सर्जिकल केयर भी है, और ये डॉक्टर MP वर्मा ऑर्थो क्लिनिक में यहाँ सर्विस दे रहे हैं। सीधे हम बात करेंगे, और ये MBBS है मुंबई से, डी ऑर्थो है लखनऊ से, और MS किया है इन्होंने चेन्नई से। कई सारे डिग्री लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, सेवाएं दे रहे हैं, और यहाँ के मरीजों को काफ़ी सहूलत मिल रहा है। सीधे बात करेंगे डॉक्टर साहब, सबसे पहले STV न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, पहला सवाल, बहुत ही कम उम्र में इतनी सारी ख्याति आपने प्राप्त कर लिया, इतने सारे योग्यता को आपने हासिल कर लिया है। सर मैंने अपना MBBS किया है मुंबई से 5.5 साल, फिर MBBS कंप्लीट करने के बाद मैंने डिप्लोमा किया है ऑर्थो से लखनऊ से, और फिर डिप्लोमा के बाद MS नहीं था तो उसके लिए लगा रहा, और आखिरकार मेरे को चेन्नई में रामाचंद्रा से MS करने का सौभाग्य मिल गया। MS करने के बाद फिर मैंने पुणे संचेती में, जो काफ़ी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हड्डी रोग के लिए फेमस अस्पताल है, वहाँ से मैंने रीढ़ की हड्डी और घुटना प्रत्यारोपण का फेलोशिप लिया है। वहाँ पे 6 महीना काम करके फेलोशिप लिया, और फिर दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय, जो दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, 3 साल वहाँ पे सरकारी काम किया। सर वो सब कंप्लीट करने के बाद आज मैं 3 साल हो गया आज मोतिहारी में आया हूँ, और ये सभी सेवाएँ लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ, जो जो चीज़ मैंने सीखा है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मरीजों का इलाज किस तरह से कर रहे हैं? हमारे यहाँ हड्डी की बीमारी से संबंधित सभी तरह की बीमारियों का इलाज होता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बुढ़ापे में हड्डी कमज़ोर हो जाना या एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाना, तो उसका सीएम द्वारा हम लोग करते हैं इलाज। नस का इलाज भी होता है हमारे यहाँ, और मेरा खासियत है, मेरा स्पेशलाइजेशन है दूरबीन वाला सर्जरी करना, और घुटना प्रत्यारोपण और कुल्हा प्रत्यारोपण में मेरा काफ़ी रुचि है, जिसमें मैंने फेलोशिप किया है। काफ़ी ख़ास बात मेरा जो ये है कि मैं घुटना प्रत्यारोपण और कुल्हा प्रत्यारोपण में महारत हासिल करके आया हूँ,
जिसके लिए पहले लोगों को पटना और दिल्ली जाना पड़ता था, वो सुविधा मैं आज मुफ्त का यहाँ पे लोगों को आयुष्मान भारत द्वारा उपलब्ध कर रहा हूँ। आज तक मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा कुल्हा बदल चुका हूँ और 10 से 15 घुटना का प्रत्यारोपण कर चुका हूँ। और सर धीरे धीरे अब यहाँ पे मैंने रीढ़ का भी हड्डी का सर्जरी स्टार्ट किया है और उसमें भी काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला है मुझे। और ये सारा काम मैंने आयुष्मान भारत के तहत फ्री में गरीबों के लिए किया है। आयुष्मान भारत में किन लोगों को सुविधा मिलता है? ये गरीब वर्ग के लोग हैं, उन सबको भारत सरकार की तरफ से जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार ये कार्ड दी है, गोल्डन कार्ड। तो जिनके मरीज के पास ये गोल्डन कार्ड है वो मेरे पास आएंगे, उनका एक रुपया नहीं लगेगा, पूरा इलाज से लेके इलाज के बाद का दवाई तक का भी पैसा सरकार मुझे देगी। दवा का भी पैसा मरीज को नहीं लगेगा? जी सर, ना दवा का पैसा लगेगा, ना रूम का पैसा लगेगा, ना सर्जरी का पैसा लगेगा, एक रुपया नहीं लगेगा। बस मरीज को आना है यहाँ पे, इलाज कराना है और यहाँ से अपना ठीक होके चले जाना है। जब डॉक्टर साहब आयुष्मान भारत के तहत फ्री इलाज जो है गरीबों को, कितने लोगों को अभी तक कर दिया आपने? अभी तक इस 6 महीने में मैंने 100-150 मरीज का अभी तक मुफ्त में ऑपरेशन किया है यहाँ पे। और आपके द्वारा मैं चाहूँगा कि और ये लोगों को पता चले कि ताकि गरीबों का कल्याण हो सके आयुष्मान भारत तहत। डॉक्टर साहब, बूढ़े लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जल्दी टूट जाता है, काफ़ी परेशानी होती है उन लोगों को, तो इससे बचने का क्या कुछ उपाय बताएंगे और उसको मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ उपाय होता है? सर मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो 60 साल के बाद पाया जाता है। इसके कारण बहुत शरीर में दर्द और कई बार तो हड्डी गिरने से हल्का सा चोट लगने पे टूट भी जाता है। बहुत गंभीर बीमारी है ये। और सर इसका बहुत सरल सा उपाय है जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने खान पान का ध्यान रखना है, सुबह टहलना है और हो सके जहाँ तक आधा घंटा कम से कम धूप का लाली लेना है। इससे क्या होता है कि शरीर अपने आप विटामिन डी बनाती है जो हड्डी को मजबूत रखती है। आपको कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, अगर आप अपना घर पे अगर अपने सेहत का ध्यान रखते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, धूप का सेवन करें, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सर ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी को हम लड़ सकते हैं घर पे ही बिना किसी डॉक्टर के मदद से। और कौन कौन सी बीमारियाँ होती है हड्डी और मांसपेशियों में? ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है घुटने में, देखा जाता है कि जो बूढ़े होते हैं उनको घुटनों में बहुत दर्द रहता है बैठने उठने में, तो उसके लिए है कि आदमी कहता है कि चुक्कू मुक्कू ना बैठा करे, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल ना करके कमोड का इस्तेमाल किया जाए। और कमर का जो दर्द रहता है उसके लिए हम बहुत कॉमन है कमर का दर्द 45 साल के बाद, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने सोने के समय ध्यान देना है कि बहुत मुलायम या बहुत कड़े जगह पे ना सोया करें, व्यायाम किया करें और बहुत भारी वजन उठा के बोझा पे नहीं चलना है इसके लिए, और कुछ एक्सरसाइज करें सर, ये सब चीज़ों से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इलाज के साथ साथ मरीजों को और क्या कुछ सेवाएँ यहाँ से मिल रहा है? अच्छा सर, सर मेरा जो अस्पताल है आस्था नर्सिंग होम, वो 50 बेड का अस्पताल है जहाँ पे 24 घंटा इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है विद ICU केयर वहाँ पे, और सभी प्रकार की ऑपरेशन हड्डी से रिलेटेड जितने भी बीमारी उन सभी का इलाज हमारे यहाँ पे होता है 24 घंटा और काफ़ी कम रेट में होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस की बात ऐसा नहीं कि ड्राइवर गाड़ी लॉक करके ड्राइवर सोया हुआ हो, मरीज परेशान हो जाए कॉल लगा करके एम्बुलेंस के लिए? सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपको मैं ये कहता हूँ कि आप सर कभी भी फ़ोन लगाइए, मैं नंबर दे रहा हूँ, जिस दिन आपको वो एक बार में फ़ोन ना उठे तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम इस पर कड़े से कड़े एक्शन लेंगे इसके लिए, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है सर। डॉक्टर विशाल आनंद वर्मा हैं जो हड्डी रीढ़ नस रोग विशेषज्ञ हैं, मोतिहारी की जानी मानी लेडीज डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता वर्मा के पुत्र हैं ये, और मुंबई से MBBS किए हैं, डी ऑर्थो लखनऊ से किए हैं और कई सारी ख्याति उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इस क्लिनिक से आयुष्मान भारत के तहत गरीब मरीजों को, गरीब पेशेंट को यहाँ से फ्री इलाज किया जाता है, फ्री दवा दिया जाता है, रहने सहने का भी फ्री इंतजाम। और तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए HTV न्यूज़ के साथ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो HTV News 24 के पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, कैमरामैन दिनेश के साथ समय उदा चंपाड़नी।